नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। जी हां, सागर जिले की पुलिस गुस्से में है। जब से एक पुलिस वाले पर रेडियम कटर से हमला हुआ, तब से पुलिस गुस्से में नजर आ रही है। घटना के दूसरे दिन ही 3 बत्ती पर पुलिस वालों ने युवकों पर जमकर लाठियां भांजी, तो अब सागर के राहतगढ़ थाना परिसर में ही एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृतक की पत्नी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाती है, तो क्षेत्रीय भाजपा की विधायक पारुल साहू कहती हैं कि इस तरह की मौत हो जाना लोगों में डर की भावना पैदा करता है। रिपोर्ट देखिए। कोई शराबी है अगर पहुंच गया तो क्या पुलिस वाले ये नहीं सुनेंगे कि मार के ही दम लेंगे कि मार लो, इससे बुराई भी दब जाएगी, कल एक दिन अब नहीं आएगा, मार डाला वो, अब क्या करेंगे, हमारा तो चला गया। किसी भी आम जन के लिए ये एक डर का माहौल पैदा करने वाली बात है। CCTV हाँ, वहाँ 2 महीने से उसमें कुछ फॉल्ट है, उसमें सुधार कार्य होना है, पर हमारे पास बाकी जो एविडेंस उसके आधार पर। माँ के आंचल से लिपटता हुआ मासूम, इसे पता है कि अब बाप का साया सर से उठ चुका है, अब माँ का ही आंचल बाकी है। कहानी दर्दनाक है। नीलम सोनी का पति मनोज शराब पीने का आदि था। शराब के नशे में जब वे था तो किसी ने उसका मोबाइल और 1,500 रुपये चुरा लिए। मनोज शराब के नशे में ही राहतगढ़ थाने पहुंच गया रिपोर्ट लिखाने। यहां ये बात बताते चले कि शराब के नशे में गाली गलौज को लेकर मनोज से पुलिस पहले से ही खफा चल रही थी, इस बार भी ऐसा ही किया, पुलिस से बदसलूकी की। नीलम का आरोप है कि उसके और बच्चे के सामने मनोज को पुलिस वालों ने घूंसे और लातों से मारा। बच्चे चीखते रहे लेकिन पुलिस की कार्यवाही जारी रही हमेशा की तरह। जब लश्त हो गया तो पुलिस वालों ने कहा कि इसे घर ले जाओ। महिला से संभला नहीं तो पुलिस वालों ने रात थाने में ही रख लिया। महिला का आरोप है कि थाने के बाहर आवाज़ आ रही थी कि मारो मत, रुक जाओ, मनोज चीख रहा था। महिला को सुबह पुलिस वालों ने खबर दी कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल छोड़ा है, जाकर देखा तो मनोज नहीं था, लाश थी उसकी। अब जरा गौर कीजिए, मनोज शराब पीकर पुलिस वालों से आए दिन गाली गलौज करता था, तो समझ जाइए कि पुलिस वालों ने उसके साथ क्या बर्ताव किया होगा। हमने 2:30 बजे से देखा है, हम घर के बाहर ही बैठे थे छत में, तो ये निकले, वो थाने की तरफ जा रहे थे, हम लोग नीचे तुरंत पहुँचे, बाहर पहुँचे कि हम लोग पहुँच जाए इनको बचा के, थाने मत जाओ तुम, वापस आ जाओ, लेकिन जब तक वो पहुँच चुके थे, वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने खूब आवाज़ आ रही थी, मारो मत, वहाँ मैं रिपोर्ट लिख लो, तो वो लोग लिख नहीं रहे थे, वो वापस आए घर पर, घर पर वापस आए तो हमसे कहने लगे कि देखो वो हमें बहुत मार रहा है, हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे, तुम चलो संगे, तो हमने कि हम चल रहे हैं, हम और दोनों बच्चों को लेके हम वहाँ तक गए थाने तक। हमने उनसे कहा रिपोर्ट लिख लो, आप दो लोग थे, दो पुलिस वाले, तो कह लगे अरे ऐसे दारू खोर अभी लिखी जाती है रिपोर्ट, फिर लिख लेंगे सुबह आ जाना। देखा जब हम लोग गए तो उनको मार रहे थे, वो हम लोगों को भी चिल्ला रहे थे, हम लोग उनका मत मारो, तो हम लोगों की नहीं सुन रहे थे। पीटा किसने? पुलिस ने। उसके बाद फिर मेरी भाभी और हमारा भतीजा गया, उनके लाइव उनके सामने मारा उन्होंने। घटना की जानकारी लगी तो भाजपा की विधायक पारुल साहू मृतक की बीवी बच्चों से मिलने पहुंची और कहा कि इस तरह की घटनाओं से जनता में डर पैदा होगा। विधायक ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी वाइफ का आरोप है कि उनके पति की मृत्यु कस्टडी में हुई है और मार पिटाई के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, और ये गंभीर आरोप भी है और दुखद बात भी है, और मैंने SP से बात की है इस विषय में कि अगर इस तरह का आरोप लगाया गया है किसी परिवार के द्वारा, तो इसमें उस समय जो ड्यूटी पर अधिकारी थे, DI थे, उनको हटा के फिर उसकी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि अगर इस तरह का आरोप लगा है, मैं समझती हूँ न्याय उस परिवार को मिलना चाहिए और इसमें एडिशनल SP के सुपरविजन में जाँच होनी चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए ताकि न्याय मिले परिवार को। इधर SP ने कहा कि जांच कराएंगे, लेकिन थाने के CCTV कैमरे तो बंद। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, जो सोनी नाम का व्यक्ति है, इसको 3:30 बजे थाने लाया गया था, और उसकी पत्नी और कुछ लोग उनके साथ आए थे, और उस समय करंट काफ़ी शराब के नशे थे,
और उसको शायद पुलिस वालों ने वहाँ समझाइश दी थी और एक सामान्य तौर पर ये पहले भी थाने में इस तरह से शराब पी के आता रहा है। और चूंकि सवेरे उसकी मृत्यु परिसर में हुई है, थाना परिसर में ही हुई है, तो उस परिस्थिति में हमें स्कूल में मजिस्ट्रेट से उनसे पंचनामा कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद जो भी जांच का आउटकम होता है उसके आधार पर CCTV हाँ वहाँ 2 महीने से उसमें कुछ फॉल्ट है, उसमें सुधार कार्य होना है, पर हमारे पास बाकी जो एविडेंस उसके आधार पर। अब जरा इधर भी गौर फरमाइए, 4 मार्च को कागागंज इलाके में भोला यादव नाम के पुलिस वाले पर रितेश नाम के युवक ने रेडियम कटर से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था। तब से ही सागर की पुलिस गुस्से में है। इस घटना के दूसरे दिन ही 3 बत्ती पर पुलिस वालों ने युवकों पर लाठियों से अपना गुस्सा उतारा था, जिसके लाइव मारपीट के फुटेज वायरल भी हुए थे। अब राहतगढ़ थाने में पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति की थाना परिसर में ही मौत हो जाना यही कहने पर मजबूर कर देती है कि सागर जिले की पुलिस गुस्से में है। इस पे फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए सागर टीवी न्यूज के, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर सागर टीवी न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका रब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नमस्कार। ACC गोल्ड कप क्रिकेट मैच 17 मार्च 2018 दिन शनिवार को इंजीनियर फोरम वर्सेस ACC टीम सागर, सुबह 9 बजे से T20 मैच का आयोजन, स्थान विश्वविद्यालय मैदान, तहसीली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।